अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज जो है घर में है कूड़ा और सुबह हो चुकी है। मैं उठ गई थी यहाँ पे चाय पी के और हम लोगों ने अबू चाची सब ने चाय पी के बैठे हुए थे और यहाँ गए थे। मैं खूबसूरत सी मछलियों को देख रही थी और कितनी प्यारी लग रही हैं, बहुत ही खूबसूरत है। दोनों एक ही कलर की हैं और क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, ये देखिए कितनी ज़्यादा धुंध है। सुबह की ये 7:30 हो चुके हैं पर पूरे में कोहरा है। हम लोग का है प्यारा सा छोटू सा गार्डन। मैं बाहर का आप लोगों को दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा धुंध है, उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। और बच्चे भी अभी सब सो रहे हैं और आधे लोग उठ चुके हैं क्योंकि ठंड ज़्यादा है, तो कुछ उठ चुके हैं, कुछ लेटे बैठे हैं। अभी यहाँ मैं आ गई हूँ फ्रिज में कुछ रखने के लिए। उसके बाद आज है जैसे कि घर में कूड़ा दो तरफ से होता है, उसमें मीठी टिक्किया जो बनती है वो बन रही, हम सब बना रहे हैं। और इतना कुछ बन रहा है कि काफ़ी अभी गैस वगैरह सब बहुत गंदी हो चुकी है, माशाल्लाह से सब बहुत बनता जा रहा है सब सामान। और यहाँ पे हम लोग बेल रहे थे, उसको कट कर रहे थे बड़ी वाली भाभी और हम, और जिसकी अभी नई शादी हुई थी वो, और आप ही की बेटियाँ हम लोग सब लोग थे। और यहाँ पर प्यारी प्यारी सी फ्राई हो रही है। और कूड़ा जो है वो अगले दिन है, ये सब चीज़ें पहले बना के रखी जाती है। ठंडा कुछ ख़राब होता नहीं है, होना नहीं है क्योंकि ये रात में बन रही है और सुबह जो है कल जो है नजर है घर में, और मतलब काफ़ी बड़ी होती है, बहुत सारे लोग आते हैं और उनका खाना वगैरह भी होता है। और मीठी टिक्किया बन चुकी थी, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बना रहे थे गुलाब जामुन, जो कि बाहर से भी आ सकता है पर हम लोग घर पर ही ये सब करते हैं क्योंकि अच्छा लगता है और हमारे अब्बू को ये चीज़ें बहुत पसंद है। अगर हम लोग घर पर इस तरह का बनाते हैं सब चीज़ें करते हैं तो बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। ये उसका शीरा था, मैंने खोल दिया तो ये बहुत इतना ज़्यादा उसमें निकल रहा था, इतना गर्म था। और ये बन चुके हैं गुलाब जामुन, ये 200 प्लस है शायद। और हम लोग बना रहे थे हाथ से इसकी गोलियाँ, और हम लोग की जो बड़ी वाली बहन है वो फ्राई करती जा रही थी। हम सब लोग बातें कर रहे थे, बहुत ऐसे मजाक कर रहे थे, एक दूसरे को सता रहे थे। और ये हो चुकी है अगली सुबह नजर वाला दिन। और यहाँ पर चल रही थी क्लीनिंग, और ये है ड्राइंग रूम। शादी में आपको ये सब देखने को मिला होगा, और इसमें झाड़ू पोछा हो चुका था। यहाँ पर मैं फ़ैन चलाने आई थी, और टॉयलेट बाथरूम सब पूरा फर्नीचर वगैरह सब क्लीन हो चुका है। तो इस रूम को कर देते हैं बंद ताकि बच्चे फिर यहाँ पे आके खेलें नहीं तो फिर से गंदा होगा। और ये है बाहर का एरिया, और फिर आ गई हूँ इस रूम में जिसमें लेडीज़ की नज़र होगी। इधर ये वाला पोर्शन जो पूरा लेडीज़ के लिए, क्योंकि खाना ऊपर होगा नज़र नीचे वो लोग चखेंगे। और उसके बाद जो उधर वाला है जहाँ पे हॉल है कमरा है जहाँ पे भी मैं बैठी थी, एक्वेरियम रखा हुआ था, उधर पूरा जेंट्स का होगा। तो अभी चलते हैं इस रूम से भी बाहर, ये भी रूम पूरा क्लीन हो चुका है तो इसको कर देते हैं बंद। और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। और ये आ गया है उसका रूम, अभी शादी हुई थी जो मेवानी है मेरी उसका। और ये प्यारा सा घर जो पूरा साफ सूफ हो चुका है चकाचक। फिर मैं आ गई बाहर, धूप निकली थी, यहाँ पर मुस्तफ़ा को खाना खिला रही थी। और यहाँ पे जितना सामान मेरे जो कुर्सी सब आ चुकी थी खाने के लिए, और मुस्तफ़ा ज़िद कर रहे थे उनको बाहर ही बैठ के खाना है जहाँ पे इतने प्यारे प्यारे से फ्लावर है। और ये है हम लोगों का घर प्यारा सा, और मुस्तफ़ा को यहीं मज़ा आ रहा था क्योंकि यहाँ पे इतने खूबसूरत से फ्लावर निकले हुए थे सब। मैं इनको खाना खिला रही थी, फिर हो गई थी शाम, दिन भर का कुछ भी शूट नहीं कर पाते क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जाता है, फिर कहाँ कहाँ मोबाइल लगा के शूट करें। और फिर मुस्तफ़ा मोबाइल छोड़ते नहीं। इधर सारी कॉपी आ चुकी है, ये पूरा जेंट्स का एरिया है, उधर लेडीज़ का। यहाँ पे जेंट्स की नज़र होगी, ये सब लग चुका है यहाँ पे। तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं, बस सभी पूरा काम कंप्लीट करके सब जा रहे थे रेडी होने के लिए। और नज़र में बहुत कुछ मिठाई, खीर और सारे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स और गुलाब जामुन, मीठी टिक्किया, और खाने में बिरयानी और रायता, ये सब रायता। फिर मैं आ गई थी अपने रूम में, यहाँ पे बच्चे तैयार हो गए थे। सैयदा ने पहना था रेड और ब्लू कलर का लहंगा, मुस्तफ़ा ने रेड और येलो कुर्ता, और मैंने पहना था बहुत ही प्यारा सा मरून कलर का सूट। मिरर में अच्छे से नहीं दिख रहा क्योंकि मुस्तफ़ा ने पूरी क्रीम लगा दी है, गंदा कर दिया है उसने। ये है मेरा रूम अब तैयार होके, फिर मैं जा रही हूँ नीचे। और ये आ गई हूँ नज़र वाले कमरे में, अभी कोई आया नहीं, हम लोग सब लोग तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर हम लोग फोटो एक दूसरे की क्लिक कर रहे थे, यहाँ पे आ चुके हैं। मैं खोल के आपको दिखा रही थी, पूरा नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि चूड़ियाँ बार बार इसमें फंस रही थी ऊपर जो नेट है इसका, फिर मैंने डाक दिया क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया था जो नज़र में सब रहता है पूरा माशाल्लाह से ये तक तो भरा हुआ है। और बस फिर मैं आ गई इस रूम से भी बाहर, और यहाँ पर आ गई है जिसका मैं ड्रेस दिखा रही थी मेरी देगामी, तो माशाल्लाह से इसका भी ड्रेस बहुत प्यारा था, बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। तो ये है ताहा जो हंस रहा था, स्माइल कर रहा था कैमरा देख के, मेरी नहीं बनाओ तो मैंने इसको ले लिया।
और ये आ गया है रजा, ये भी शर्मा के मुखाग रहा। और हम लोग पहुंच चुके हैं अम्मू के घर और फिर मैं आ गई हूँ। नज़र जो स्टार्ट है नीचे ऊपर होगा खाना हो चुकी थी नीचे बिरयानी निकल निकल के जा रही थी। टेस्टी बिरयानी बनी थी लखनऊ से, बहुत अच्छा सब बिरयानी रखी है। यहाँ पर मैं से कह रही थी कि मेरी वीडियो में पूरे चलेगा मेरा सूट आ जाए। और ये है अलमोस बहुत इसे इंग्लैंड पहना था, बहुत ही अच्छा सा कैमरा से ये भी आप ही बोलते बस इस टाइम ऊँची हुई थी नीचे सब आ रही थी उसको ऊपर खाने के लिए तो सन्नाटे में भाग रही थी यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे खाना नहीं लग रहा था, निकल निकल के टेबल पर लग रहा था। अच्छा कुछ लोग माशाल्लाह से लोग इतने कुछ लोग नीचे नज नीचे खा रहे थे, हम लोग सब ने ऊपर जहाँ पे खाने का वाला डिपार्टमेंट संभाल रखा था। भैया सदफ ये हूँ मैं और नज़र जो है सब बहुत अच्छे से हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी करके लिए यहाँ पे चाय बना रही थी, चाय पीने के लिए अपने लिए और चाची के लिए, तो यहाँ पे बना रही थी चाय मैं। और फिर ये शाम का टाइम हम लोग रोज़ा थे तो नानी जो है मेरी वो बना के खिला रही थी, जब उसमें था पेटीज थी, बॉयल एग था, गुलाब जामुन था। और उसके बाद फिर उसने हम लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी सा पिज़्ज़ा बनाया, बहुत झटपट जल्दी से फिर सब ने पूरे घर ने बच्चों ने सब ने पिज़्ज़ा बनाया था। मैं उसका क्लिप ये लेने लगी थी और ये है पेटीज़। और अब दूसरा जो है पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है, एक जो है ओवन में रख दिया है, दूसरा यहाँ पे तैयार हो रहा है क्योंकि बच्चों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और फिर युवा के पहले वाला बना के बच्चों को कट करके दे देते हैं। और सच में पिज़्ज़ा जो है बहुत अच्छा बना था, बहुत ही मज़ा आ गया खाकर। सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ा को बहुत पसंद आया पिज़्ज़ा और सैयदा को तो पसंद है पर सैयदा ऊपर का ये सब हटाकर खाती है, सिर्फ चीज़ और सॉस वगैरह जो लगा रहता है वही खाती है। मुस्तफ़ा को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ पे मैंने कहा था कि मैं पूरा जब तुम पिज़्ज़ा बनाओगी तो मैं पूरा लूँगी उसको शूट करूँगी क्योंकि कल का भी बहुत नहीं ले पाई थी, थोड़ा थोड़ा सा मेन मेन करके ले लिया था। मुस्तफ़ा ने मोबाइल दिया ही नहीं, यहाँ पे लग गया है दस्तर खान जिसमें हम लोग आ गए गुलाब जामुन जो हम लोग खा चुके हैं, उसके बाद फ्रूट चाट खीर मिठाई। तो बस यहाँ पे रोज़ा हम लोग खोल के सब लोग बैठे हुए थे और यहाँ पे बस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है और मैं बैठ गई थी यहाँ पे चाय पीने के बाद। तो बस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत ही छोटा सा व्लॉग बना है, नहीं हो पाया था क्योंकि काम इतना ज़्यादा रहता है, कोई दो चार लोगों की दावत नज़र रहती नहीं है। माशाल्लाह से 400 प्लस तो रहते ही हैं लोग, जो खाना और फिर नज़र का पूरा जो बनता है सब घर में ही होता है और खाली बिरयानी जो है वो बाहर बनती है, बावर्ची बनाता है। तो बस टेक केयर, बाय बाय।